अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी, आपने देखा था कि थोड़े दिन पहले घर में सजावट हो रही थी, तो माशाल्लाह से आज है घर में महफिल मिलाद और दुरूद पाक का ख़त्म भी है। सब दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और हम भी अभी दुरूद पाक पढ़ेंगे और मिलाद भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो हमारे साथ आप इस महफिल में शामिल हो जाइए, दुआओं की महफिल में। ये देख लीजिए, ये इस तरह का कुछ लुक था मेरा और मैंने ये एयरिंग्स पहने थे, इसके साथ नेकलेस भी था और ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी, फूल। माशाल्लाह महफिल मिलाद के लिए मैं हमेशा हर साल ऐसी ही तैयारी करती हूँ, जैसे कि बिल्कुल ईद पर करती हूँ, ईद पे भी इससे कम करती हूँ बल्कि इससे ज़्यादा महफिल मिलाद पे करती हूँ। मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए, डालो डालो नबी जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, अल्लाह के खजानों में मालिक है। नबी पाक की महफिल सजाई जाती थी और उनके जिक्र से हर एक का गम दुख दर्द दूर होता था। सुभान अल्लाह, अपनी हलाल और पाक कमाई से हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे के हम सब महफिल मिलाद सजाएं अपने घर। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या रब्बुल इज्जत, हम सब आशिकान रसूल हैं, हमारे दिलों में तेरे नबी की मोहब्बत है मेरे अल्लाह, तो अपने हबीब के सत्ते और वसीले से हमारे रिस्क को, रोज़ी को, रोज़गार को वसी तर फरमा दे। आमीन। हमारे आंगन को फूलों से भर दे। रब्बुल आलमीन, तू बहुत बड़ा बादशाह है, अपने नबी पाक के वसीले से हम सब के दामनों को भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अपनी दुआ में कितना वक्त दुरूद शरीफ के लिए वक्फ करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज़ किया, एक चौथाई सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज़ किया, निस वक्त मुकर्रर करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर तो तेरे लिए ही अच्छा है। पढ़ते पढ़ते किसी चीज़
की तनब है नए आरज़ू कोई किस चीज की तनब है नए यहाँ सलाम हो रहा है माशाल्लाह से। रसूल पाक की बारगाह में हम सब मिलके सलाम पेश कर रहे हैं, नातों का नजराना हम पेश कर चुके हैं और सलाम के बाद दुआ होगी, दुआ के बाद एक दूसरे से मसाफ़ा करेंगे और गले मिलेंगे सब एक दूसरे से। माशाल्लाह बहुत मुबारक तरीन महफ़िल होती है ये, और इस महफ़िल के वसीले से आपका जो दुख दर्द है वो दूर होता है और आपको खुशी, इज़्ज़त और मोहब्बत मिलती है। और अल्लाह पाक बेशक अपने नबी कायनात के लिए, उन्होंने पूरी कायनात बनाई नबी पाक के लिए, और इसी उन्हीं के हवाले से, उन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक ने हमें ये सब कुछ बख्शा है। यहाँ सब जो है सलाम हो चुका है, उसके बाद सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। महफिल मिलाद इख्तिताम पर पहुँच चुकी है और इसके बाद जो है सिलसिला शुरू होगा खाने का, और दस्तखान वगैरह हम लगाएंगे और सबको खाना पेश करेंगे। शियार तेरा हमें खुदाया मुआफ कर दे, मेरा अमल है सियाना हमें खुदाया मुआफ कर दे। या इलाहुल आलमीन हर किस्म की बीमारियों से हम सबको बचा ले, इलाहुल आलमीन हमारी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े और वसीले से हमारे तमाम कामों को आसान बना दे। या अल्लाह पाक तो अपने हबीब के सदक़े और वसीले से हम सबको पांच वक्त की नमाज का पाबंद बना, नेक कामों का पाबंद बना। या इलाहुल आलमीन जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना दे। या इलाहुल आलमीन अपना पाक रहम व करम हम सब पर फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में, रोज़ी में, रोज़गार में बरकतें वसअतें अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े और वसीले से हमारे जितने भी मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, जो मर्द हजरत या ख़वातीन जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाना मेरे अल्लाह। या रब्बुल तो जी यहाँ पे खाना जो है उसका टाइम आ गया था, खाना स्टार्ट करना था हमें, और यहाँ हमने पहले बर्तन सेट कर लिए थे, रोटियाँ कटिंग कर ली थी वो प्लेट्स में रख ली थी, और ये मेरी मेट्स मेरे साथ कंप्लीट हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह तीन मेट्स थी मेरे साथ और बच्चे थे, तो हम सब मिलके जो है वो इस तरह से खाने का दस्तखान हमने बीच वाले रूम में जहाँ मिलाद हुआ था वहीं लगा दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बताऊं कि खाने में था कोरमा, जो आपने जो है देखा हुआ है कोरमा बन रहा था गैलरी में, माशाल्लाह से बीफ का कोरमा था, चिकन की और आलू की मसालेदार बिरयानी थी, और साथ में नान थे और उसके साथ था ठंडी ठंडी खीर। तो माशाल्लाह से यहाँ जो है ना सबको खाना दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। पहले हमने खिला दिया था जितने भी जेंट्स थे, सारे जेंट्स को खिला दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ अब बैठी हुई हैं सब लेडीज़। दस्तखान दोबारा इसी कमरे में लगाया, फिर अब ये दोबारा लेडीज़ के लिए लग रहा है। खाना हमने गरम गरम सर्व किया था माशाल्लाह, कोरमा अच्छी तरह गरम करके दिया था सबको, क्योंकि गरम कोरमे का मज़ा बहुत ही लाजवाब होता है, और राइस भी गरम थी। यहाँ जो है वो चाय आ गई थी, सबको पहले चाय सर्व की और चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक का दौर चला। माशाल्लाह सैटरडे नाइट थी, सब ने खूब इंजॉय किया पूरी रात, सुबह सब अपने घरों पर गए, माशाल्लाह अपनों ने बहुत मज़ा किया।